हमारा आज टॉपिक है वर्धन, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्धन वंश, जिसके मुख्यतः जो संस्थापक थे वो थे हर्ष वर्धन। और जब हम बात करते हैं वर्धन वंश की, जब हम बात करते हैं जिसके शासक थे हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन एक ऐसे शासक थे जिसे प्राचीन काल का एक अंतिम हिंदू शासक भी कहा जाता है, बड़े शक्तिशाली शासक। और से मुख्य तो हम गुप्त काल तक पढ़ते हैं प्राचीन में, लेकिन इसको जो है गुप्त उत्तर या पूर्व मध्य काल में हमारा ही आ जाता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं जो ये हर्षवर्धन है, इन्होंने जो शासन किया था, इन्होंने शासन किया था कन्नौज से किया था। कहां से शासन किया था इन्होंने? कन्नौज से किया था, ठीक है। अब ये कन्नौज से भी इन्होंने शासन कैसे किया था, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। जब हम बात करते हैं इन शासकों की, वर्धन वंश के शासकों की, ये शासक मुख्यतः जो थे ये थानेश्वर के थे। कहां से थे? थानेश्वर। और जो ये थानेश्वर है ये है दिल्ली के पास है, हरियाणा। शासक वहां से थे, थानेश्वर से, वर्धन। लेकिन होता क्या है, इसकी बहन थी जिसका नाम था यशोमत, इसकी जो बहन थी राज्यसिद्ध, हर्षवर्धन की बहन का नाम था राज्यश्री। और हर्षवर्धन की जो बहन है राज्यश्री, उसके पति का नाम था गृहवर्मन भी। और होता यह है जो शशांक जो शासक थे उन्होंने क्या किया था, मिलकर जो गृहवर्मा जो द्वितीय थे उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और जो ये राज्यश्री थी, इस राज्यश्री को कहां डाल दिया गया था? जेल में डाल दिया गया था। और ये राज्यश्री किसी तरह जेल से फरार होकर ये जंगल की ओर चली गई। और जब ये जंगल की ओर चली जाती है वहां पर इसे खोजा जाता है, इसको खोजा जाता है राज्यश्री को वहां पर खोजा जाता है। और राज्यश्री को खोज लिया जाता है, उसके बाद ये होता है जब राज्यश्री को खोज लिया जाता है, बताया जाता है कि जो राज्य जो श्री थी वो लकड़ी डालकर उसमें आग लगाकर उसमें जलने वाली थी। वहां पर हर्षवर्धन पहुंचते हैं, अपनी बहन को मनाते हैं राज्य श्री को। और जब मनाते हैं राज्य श्री को तो राज्य श्री एक बात कहती है कि मैं इस आग में तब नहीं कूदूं जब आप मेरी एक बात को माने। हर्षवर्धन बोलते हैं बताओ, तो बोलती है राज्यश्री कि आप मेरे साथ कन्नौज से शासन करो। क्योंकि राज्यश्री का विवाह जो किया गया था वो कन्नौज के शासक गृहवर्मा से द्वितीय से किया गया था। तो हर्षवर्धन ने ये बात स्वीकार कर ली और हर्षवर्धन ने जो शासन जो किया था वो कहाँ से किया था? कन्नौज से किया था। और अपनी बहन राज्यश्री के साथ कन्नौज से किया था हर्षवर्धन ने शासन। इसके बाद हर्षवर्धन जो थे ये 606 से 643 ईस्वी तक शासक रहते हैं हर्षवर्धन। इस वंश के बड़े महत्वपूर्ण शासक हैं और मुख्य शासक हैं वर्धन वंश के। और हर्षवर्धन की जब हम बात करते हैं, इसी के शासनकाल में आते हैं हैनशांग भारत आते हैं, 629 ईस्वी में आते हैं, ठीक है, हैनशांग भारत आते हैं। आज हमने थोड़ा ये अलग वाला ले लिया था ना। इसके बाद हम बात करते हैं इसी के समय आते हैं हैनशांग। और हम बात करते हैं हैनशांग काफी समय हर्षवर्धन के पास रहते हैं। और जब हम बात करते हैं जो ये हैनशांग है, जब इस हर्षवर्धन ने कन्नौज में सभा का आयोजन किया था उस समय भी साथ रहते हैं हैनशांग। हर्षवर्धन को कहते हैं
शिला दिक्ति, क्या कहते हैं, शिला दिक्ति नाम देते हैं। और 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो ये कन्नौज है, इस कन्नौज की जो राजगद्दी है वो खाली हो जाती है। और हम बात करते हैं हर्षवर्धन के कोई पुत्र नहीं था, हर्षवर्धन के कोई पुत्र नहीं था। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 647 ईस्वी में कन्नौज की राजगद्दी क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। इसके बाद अब इस कन्नौज की राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए तीन वंशों में संघर्ष होगा। कितने वंशों में होगा, तीन वंश, गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्र। इसमें जो अंतिम सफलता प्राप्त होगी वो होगी, इसमें जो अंतिम जो सफलता प्राप्त होगी वो किसको होगी, गुर्जर प्रतिहार शासक। अंतिम सफलता किसको प्राप्त होगी, गुर्जर प्रतिहार शासकों को अंतिम सफलता इसमें प्राप्त होगी। किसको होगी, गुर्जर प्रतिहार शासक। और गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसको होगी, नागभट्ट द्वितीय। और नागभट्ट द्वितीय ही फिर कन्नौज पर क्या कर लेंगे, अधिकार प्राप्त, क्योंकि त्रिगुटीय संघर्ष हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही प्रारंभ होता है। किसको प्राप्त करने के लिए, आ जाइए, कन्नौज की राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए। तो आज हम इसी वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। बाणभट्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिन्होंने हर्षचरित की रचना की थी, ठीक है ना, कादंबरी की रचना की। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण। काव्य मीमांसा में थोड़ा सा मैंने आपके लिए उस पर उसकी रचना राजशेखर ने की। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने बताया भी था, ठीक है ना, राजशेखर ने की, ठीक है ना, वो मैंने शायद कल या परसों क्लास में मैंने बता भी दिया था वो राजशेखर। अगला है हमारा समझना वर्धन वंश, राजधानी। सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, राज, इनकी राजधानी जो है, राजधानी थी थानेश्वर, थानेश्वर, ये थानेश्वर कहां पर है, दिल्ली के पास हरियाणा में स्थित। इसके बाद हम बात करते हैं जानकारी के, जानकारी के स्रोत। अब प्रश्न आता है कि जानकारी के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, जानकारी के स्रोत, जानकारी के जो स्रोत हैं, बाणभट्ट है, बाणभट्ट, बाणभट्ट का है हर्ष, हर्ष चरित्र जो है बाणभट्ट का है। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजू श्री मूल, ठीक है ना, आर्य मंजू श्री मूल कल्प, मूल कल्प, ये भी जानकारी का स्रोत है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हैन, हैन सांग, कौन सी पुस्तक है भाई, सी यू की, सी यू की। इसके बाद हम बात करते हैं लेख, और लेखों में मुख्यतः हैं ताम्रपात, लेख, लेखों में है ताम्रपात। ताम्रपात्रों की हम बात करते हैं, ताम्रपात्र मधु, मधुबन, ताम्रपात्र, ताम्रपात्र मऊ, उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है, वंश खेड़ा, ताम्रपात्र
शाहजहांपुर, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ मैं आपके लिए ये भी लिख देता हूं, ये दोनों के दोनों किसके हैं? हर्ष। आपसे काफी बार ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं, मिलान में पूछे जाते हैं, सुमेलित में पूछे जाते हैं, भाई कौन सा किसका। अगली बात, हमें हर्षवर्धन की मुद्राएं प्राप्त होती हैं, मुद्रा भी प्राप्त होती है, मुद्रा प्राप्त होती है। हम बात करते हैं नालंदा से, मुद्रा प्राप्त होती है नालंदा से, और पानीपत, सोनपत से भी मुद्रा प्राप्त, सोनपत मुद्राएं प्राप्त। कुछ मुद्राएं इसकी तांबे की थी, कुछ मिट्टी की भी मुद्राएं प्राप्त होती थी। अगली बात है, ये इसके जो है ना बंसखेड़ा ताम्रपात्र है, बंसखेड़ा ताम्रपात्र, इसमें से इसके इसमें प्रशासन की जानकारी मिलती, प्रशासन की जानकारी मिलती, इसमें किसकी भी जानकारी मिलती है? प्रशासन की जानकारी मिलती है, इसमें प्रशासन की जानकारी भी मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये इसके एक जानकारी के माध्यम है, हमें कौन कौन से ग्रंथ से प्राप्त होती है। और ये जो थे बाण भट्ट जो थे, ये हर्षवर्धन के किस में थे? राजदरबार में। हर्षवर्धन के राज, हर्षवर्धन के राजदरबार कौन? पान भट्ट। एक इसके कवि, एक आप ये बात कर सकते हैं राज कवि था इसका। और सबसे पहली जब हम इतिहास की पुस्तक की बात करते हैं, तो ये हर्ष चरित्र जो है बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक। इसके बाद हम बात करते हैं, वंश जाति की, हम वर्ण की हम बात करते हैं, उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं, तो इनके लिए बाण भट्ट के हर्ष चरित्र से जानकारी मिलती है, मिलती है, यह है वैश्य जाति से थे। और इनके लिए समझना, इनके लिए अधिकांश है का प्रयोग भी कर रखा है, एक वैश्य जाति के लिए। अगली बात समझना थोड़ा, हम बात करते हैं हेनसांग की पुस्तक सीयू की में पी से का उल्लेख कर रखा है जिससे जानकारी मिलती है वैश्य जाति से थे। समझना, इसका निष्कर्ष लास्ट में ये निकल कर आता है, ये जो थे ये कौन से वर्ण मानते थे? हम बाण भट्ट की बात करते हैं, आर्य मंजूश्री मूल कल्प की भी बात करते हैं,
तो इनके लिए है फी से है इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे लास्ट में ये निष्कर्ष निकलता है ये वेश्य जाति मानते। क्लियर हो गया यहाँ पर बात? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम लास्ट में इसकी बात करें कि भाई कौन सी जाति से थे ये, तो इसका लास्ट में निष्कर्ष निकल कर आता है, नोट, वर्धन वंश के शासक वेश्य जाति से थे। इसके बाद अब आते हैं इसके शासक बाण भट्ट के हर्ष चरित्र के अनुसार संस्थापक पुष्य भूति कौन थे इस वंश के संस्थापक? पुष्य भूति। किसके अनुसार? लेकिन चक्कर क्या है भाई, तो बाण भट्ट ने कहा है लेकिन बाकी ग्रंथ क्या कहते हैं? अपने अपने आधार पर ग्रंथ कहते हैं लेकिन बाकी ग्रंथ क्या कहते हैं उनके बारे में जानना है। ठीक है, जब हम बात करते हैं पुष्य भूति को इसका माना गया है, लेकिन जब हम बात करते हैं बाकी ग्रंथों में हमें पता चलता है इसके जो पहले शासक थे वो थे नर वर्धन थे, दूसरे कौन थे? राज्य वर्धन थे, तीसरे आदित्य वर्धन थे, चौथे शासक थे प्रभाकर वर्धन थे, पांचवे शासक राज्य वर्धन शेखिंड थे, छठे शासक थे हर्ष। ये वंश पता चलता है, और इसमें नेट की परीक्षा में देखा जाए ये टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इसमें शासकों को क्रम अनुसार पूछा जाता है। दूसरी बात ये है हर्ष वर्धन के अभिलेखों को पूछा, अभी सुमेलित में पूछ लिया जाता है कि यह अभिलेख किसका है, यह लेख किसका, बाकी इतना लंबा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन जितना भी है उतना हमें इसको पढ़ना है। ठीक है, कहां से क्या चीजें पूछी जाती है। अब यहां पर हम बात करते हैं, अब यहां पर पूछ लिया जाए अगर प्रश्न सीधा आए कि वर्धन वंश का पहला शासक कौन था, तो हम कर देंगे नरवर्धन था। अगर प्रश्न आए बाण भट्ट के हर्ष चरित्र के अनुसार वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, इस तरीके से प्रश्न हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्धन वंश के शासकों का क्रम इस प्रकार प्राप्त होता है, किस प्रकार प्राप्त होता समझना। हम बात कर रहे हैं क्रम की बात कर रहे हैं भाई, इसका जो क्रम है वो किस तरीके से प्राप्त होता है। हम बात करते हैं नंबर पहला आता है नरवर, नंबर दूसरा है राज्य वर्धन प्रथम, नंबर तीसरा कौन सा है? आदित्य वर्धन। नंबर चौथा प्रभाकर। नंबर छठा, नंबर पांचवा है राज्यवर्धन है, और नंबर छठा है हर्ष। इसके समय आते ही वर्धन वंश। अब हम बात करते हैं इनमें, अब यहां पर एक फिर नोट करना आप, इनमें पहला शासक है ये,
जिसने महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, स्वतंत्र शासक कौन हो जाएगा? प्रभाकर वर्धन हो जाएगा। अगली बात, ये प्रभाकर वर्धन इसका शक्तिशाली था, इसने खून हरिण केशरी की उपाधि धारण की। केशरी खून, खून हरिण क्या पता है? खून जो है उसका मिहिर कुल भी ये खून जाती है, खून जो है वो हिरण के समान, खून किसके समान है? हिरण के समान। और उस खून हिरण के लिए मैं जो हूं एक शेर के, ठीक है ना, मैं क्या हूं शेर। अभी जो खून जो थे वो ताकतवर जो बन रहे थे, अब उनके लिए ये क्या बन जाता है? ये प्रभाकर वर्धन शक्तिशाली था। इसी प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र कौन था? राज्यवर्धन। छोटा पुत्र कौन था? हर्षवर्धन। फिर समझ, हम बात करते हैं जो ये प्रभाकर वर्धन थे, इसकी मृत्यु के बाद राजगद्दी पर जो बैठेंगे कौन बैठेंगे? राज्यवर्धन राजगद्दी पर बैठेंगे। लेकिन होता यह है, जो ये राज्यवर्धन जो राजगद्दी पर बैठेंगे, तो होता यह है, ये राज्यवर्धन को सूचना मिलती है राजगद्दी पर बैठते ही व्यवस्थाएं थोड़ी बिगड़ने लगी। ये राजगद्दी पर बैठता है, पिता की मृत्यु हो जाती है, प्रभाकर माता का नाम यशोमती है, वो सती हो जाती है। किसके साथ सती हो जाती है? प्रभाकर वर्धन के साथ वो सती हो जाती है। स्थिति बड़ी पेचीदा है, स्थिति बड़ी बेकार गंभीर स्थिति। अब ये राज्यवर्धन को सूचना मिलती है, भाई कन्नौज के जो शासक हैं तुम्हारे जीजा, एक इसकी पहले पूरा था यहाँ पर, मैं इसको पूरा ही यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। हम बात करते हैं आपको और भी समझने में आसानी हो। प्रभाकर, प्रभाकर इस प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम है, पत्नी पत्नी का नाम है यशोमती। क्लियर? अब समझना, हम बात करते हैं प्रभाकर वर्धन और यशोमती, इनसे संतान का जन्म होता है, इनके पुत्र संतान। इन संतानों में जो है, संतान की जब हम बात करते हैं, बेटा, बेटा है नंबर एक है राज्यवर्धन, नंबर दूसरा कौन है? हर्षवर्धन। बेटी अर्थात पुत्री क्या नाम है? राज्य। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, अब ये राज्य श्री का जो विवाह जो किया है, विवाह, विवाह इसका विवाह किया है कन्नौज के, कन्नौज के शासक गृह, गृह वर्मा से। किससे किया है? गृह वर्मा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब समझ, समझना थोड़ा, इसकी उपाधि भी मैं थोड़ा आपके लिए कनेक्ट कर दूं। महाराजा, महाराजा हर्षवर्धन कभी पढ़ा है? पहले पढ़ा है? पहले कभी हर्षवर्धन डिटेल में ऊपर पढ़ा होगा, क्योंकि थोड़ा टॉपिक भी अधिकांश हम डिटेल में मुख्य सिलेक्टेड टॉपिकों को ज्यादा हम पढ़ते हैं। अब समझना, अब ये है महाराजा धीराज, महाराजा धीराज किसने धारण की है? सर्वप्रथम वर्धन वंश के सर्वप्रथम किसने धारण की है? और इसी की जब हम बात करते हैं, इसी की जब हम बात करते हैं, इसने ये
ये उपाधि बड़ी महत्वपूर्ण है, होनहारिन, क्योंकि इसको मैंने परीक्षाओं में बहुत ज्यादा, इसको मैंने बहुत ज्यादा होनहारिन, हूनों के लिए हून हिरण के समान है और उनके लिए मैं कैसा हूं, शेर के समान। ये प्रश्न, ये उपाधि जो है हून हरिन केसरी की उपाधि किसने कहा, प्रभाकर, दो पुत्र, पत्नी कौन है, यशोमती। अब होता क्या है, प्रभाकर वर्धन इस वंश का पहला शक्तिशाली शासक, संस्थापक कौन है, नर। इसके बाद आगे समझना, अब हम बात करते हैं यहां पर प्रभाकर वर्धन की क्या हो जाती है, मृत्यु, इसकी हो जाती है, इसके राजवेद भी, रसायन और सुषेण इसके राजवेद, लेकिन कोई इलाज, राजवेद को भी मैं लिख देता हूं, राज रसायन और सुषेण, अर्थात राज्य की ओर से क्या थे, ये चिकित्सक, ठीक है ना। अब ये कोई इलाज नहीं करता, इसके बाद समझना प्रभाकर वर्धन की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो गई। प्रभाकर वर्धन के साथ यशोमती क्या हो गई, यशोमती क्या हो गई, छती हो गई। अब हम बात करते हैं ये जो यशोमती है ये यहां पर क्या हो जाएगी, सती हो जाएगी, सती प्रथा की भी जानकारी, ठीक है ना, सती प्रथा की भी जानकारी। और पहली जानकारी कौन सा अभिलेख से मिलती है, एरन अभिलेख से मिलती है, लेकिन यहां पर भी हमें अभी सती प्रथा की जानकारी मिल गई, सती प्रथा चल रही, राइट, चल रही, बंद नहीं हुई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अभी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, अब राजगद्दी पर कौन बैठेगा, राज्य प्रधान, राज्य प्रधान, राज्य। अब ये राज्यवर्धन को सूचना मिली कि जो मेरा जीजा है गृह वर्मा दीप्ति, उसकी क्या कर दी गई है, हत्या। और इसकी हत्या जो की जाती है बंगाल के गोल्ड शासक शशांक का भी उसमें हाथ, अब हत्या कर दी जाती है। इसके बाद अब ये जो राज्य जो वर्धन है, राज्य जो वर्धन है, अब ये क्या करते हैं, ये अपने राज्य से इधर जाते, कन्नौज जाते, कन्नौज जाने के बाद हत्या करने वालों को हरा देते हैं, जिसमें देवगुप्त के भी नाम थे, उसको हरा देते हैं। अब यहां पर क्या होता है समझना, अब यहां पर चले जाते हैं कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं, लेकिन शशांक जो है, शशांक, शशांक जो ये शशांक है, ये बंगाल के शासक, कहां के शासक है, बंगाल के, और ये बंगाल के शासक हैं। अब ये शशांक क्या करते हैं, इस राज्यवर्धन की यहां पर बहुत अच्छी स्थिति है, कन्नौज पर दोबारा इसने अधिकार कर लिया। अब ये शशांक क्या करते हैं, इस राज्यवर्धन को अपने राजदरबार में बुलाते हैं, कैंप में बुलाते हैं, आ जाओ शाबाब। उसके बाद इसको अपनी पुत्री का विवाह का इसके लिए ऑफर करते हैं कि मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह करूं। इसके बाद ये राज्यवर्धन चले जाते हैं और राज्यवर्धन की धोखे से क्या कर दी जाती है, शादियों का, लड़कियों का, विवाहों का, ये चक्कर पहले से खतरनाक रहा, क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी। अब राज्यवर्धन की तो हत्या हो गई भाई, ऑप्शन क्या बचा, इसके बाद कुंतल नामक राजदूत आते हैं, कुंतल नामक राजदूत आते हैं, हर्षवर्धन को सारी घटना बताते हैं,
कि राज्य वर्धन की क्या कर दी गई है, हत्या कर दी, किसकी हत्या कर दी गई है, राज्य वर्धन की सारी हत्या कर, राज्य वर्धन की हत्या कर दी गई। इसके बाद बताया जाता है राज्यवर्धन जो, ये हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन का राजगद्दी पर बैठने का कोई इरादा बताया जाता है, लेकिन अब कोई रास्ता भी नहीं था। इसके बाद हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठते हैं और हर्षवर्धन को फिर सूचना मिलती है कि राज्यवर्धन की तो हत्या कर ही दी गई है और तुम्हारी जो बहन है ना राज्यश्री, उसको जेल कर, किसके अंदर डाल दिया गया है, जेल के अंदर उसको। इसके बाद अब हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठना नहीं चाहते थे पहले, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी बन गई, बदला लेना जरूरी है। और हर्षवर्धन ने उसके बाद जब ज्यादा हर्षवर्धन को समझाया गया, उसके बाद हर्षवर्धन 606 ईस्वी में कहां बैठ जाएगा, राज। इसके बाद सबसे पहले अपनी जो बहन है राज्यश्री, इसको जेल में डाल दिया गया। फिर हर्षवर्धन को फिर सूचना मिलती है कि भाई जो राज्यश्री है वो जेल से, फिर पता चलता है कि भाई कहां गई है, विंध्याचलों की तरफ ना, पहाड़ियों की तरफ चली गई है, वो जंगल की तरफ। अब राज, अब हर्षवर्धन अपनी बहन को भी ढूंढना चाहते हैं, इनसे भी निपटना चाहते हैं। इसके बाद हर्षवर्धन दिवाकर मित्र के साथ, एक बौद्ध भिक्षु थे दिवाकर मित्र, दिवाकर मित्र के साथ हर्षवर्धन जंगल में जाते हैं और अपनी बहन को क्या कर लेते हैं, अपनी बहन को तलाश ढूंढ लेते हैं। जब अपनी बहन को अब ये ढूंढते हैं, उसे तलाश कर लेते हैं अपनी बहन को, उसके बाद होता क्या है, बताया जाता है इसने घास फूस इकट्ठी कर रखी थी, एकत्रित कर रखी थी राज्यश्री ने, और राज्यश्री उस आग में जलना चाहती थी। उसके बाद अब हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन अपनी बहन से बोलते हैं कि आप इस आग, बताती है अपनी सारी आप बीती, अब मेरा कन्नौज कोई नहीं है, मेरे पति की भी हत्या कर दी गई। तो उस समय हर्षवर्धन बोलते हैं कि आपकी क्या क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं आप। अब यहीं पर ये राज्यश्री कहती है अपने भाई, किससे, हर्षवर्धन, मैं चाहती हूं आप कन्नौज से शासन। राजधानी क्या है हर्षवर्धन की, वर्धन वंश की, थानेश्वर। लेकिन बहन क्या कहती है कि आप कहां से शासन करें, कन्नौज से। और यहां पर हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री का कहना माना और इसके बाद इन्होंने शासन जो किया कहां से किया, कन्नौज से। अब हर्षवर्धन के समय वर्धन वंश की राजधानी क्या बन जाएगी, लेकिन प्रारंभिक राजधानी कौन सी है। इसके बाद हर्षवर्धन के कोई पुत्र नहीं था और हर्षवर्धन की जो मृत्यु है वो होती है 647 ईस्वी में, और हर्षवर्धन के कोई पुत्र नहीं था, तो कन्नौज की राजगद्दी अब क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। और इसी कन्नौज की राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए तीन वंशों में संघर्ष होगा, तीन का जब संघर्ष होगा तो इसलिए से क्या बोलेंगे, त्रिगुटीय संघर्ष के। गुर्जर प्रतिहार राजस्थान के, राजपूत गुजरात के, पाल बंगाल के, तो इन तीन वंशों में आपस में संघर्ष होगा जिसे त्रिगुटिया संघर्ष कहेंगे, ठीक है, राजपूत गुजरात के। और इसके बाद हम बात करते हैं, अब इन तीन वंशों में संघर्ष होगा, इनमें जो अंतिम सफलता प्राप्त होगी राजस्थान के किसको होगी, गुर्जर प्रतिहार शासकों को होगी। और गुर्जर प्रतिहार शासकों में भी किसको होगी, नागभट्ट द्वितीय को, उसी ने राजधानी बनाया कन्नौज को। और कन्नौज का फिर अंतिम शासक था 1018 ईस्वी में राज्य
पाल, जिसकी महमून गजनवी के डर की वजह से वो भाग डर कर। तो ये इस तरीके से राजधानी किसको बनाएंगे, ठीक है ना। यस राइट, मैं भी थोड़ा सा आपको ये बताने वाला था, जो बौद्ध विवक्ष काटने वाला यही था, जो शैव संप्रदाय को मानने वाला था, ठीक है ना, जो शैव संप्रदाय को मानने वाला था, गौड़ शासक था, गौड़ शासक, बड़े बड़े कट्टर अनुयायी थे शैव संप्रदाय के। और दूसरी बात, जब शैव संप्रदाय की बात की जाती है, तो ये जो वर्धन वंश के जो शासक थे, हर्षवर्धन भी थे, ये सूर्य के, शिव के उपासक थे शुरुआत, ठीक है ना। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले हर्षवर्धन भी क्या थे, पहले शिव के उपासक, सूर्य की पूजा करते, लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर लिया, बौद्ध धर्म स्वीकार, जिसमें दिवाकर मित्र का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है ना। तो राज्यवर्धन, हर्षवर्धन बहन, ठीक है, हम बात करते हैं प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बड़ा पुत्र राज्यवर्धन कौन बैठे भाई, राज्यवर्धन के समय यह सूचना मिलती है कन्नौज के शासक गृहे वर्मा द्वितीय की हत्या कर दी गई, क्या कर दी गई है, हत्या कर। इसके बाद राज्यवर्धन कन्नौज गए और वहां पर उन्हें अधिकार कर लिया, वहां पर उन्हें अधिकार कर, उन्हें अधिकार कर लिया, लेकिन धोखे से बुलाकर शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर। इसकी हत्या में एक देवगुप्त का भी नाम इसमें शामिल था, शशांक का भी इसमें नाम शामिल था, इन लोगों ने मिलकर इसकी हत्या की थी, किसकी, राज्य। अब ऑप्शन क्या बचा है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं, अब ये हर्षवर्धन जो है, समय 606 से 600 राज्य अभिषेक
के उपलक्ष्य में हर्ष संवत चलाया। कौन सा संवत चलाया? हर्ष। अगर आपसे अब अगर आपसे पूछा जाए कि हर्ष संवत अब कौन सा चल रहा है, तो क्या निकालोगे आप लोग? कैसे निकालोगे हर्ष संवत? परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2024 चल रही है, तो इसमें हर्ष संवत कौन सा चल रहा है? ना आएगा निकल तो। कितना आएगा? 1400। क्योंकि ऐसे जो प्रश्न हैं, आप लोगों से ऐसे प्रश्न भी जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं आपसे, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं अक्सर ऐसे प्रश्न। और अगर गुप्त संवत निकालें तो गुप्त संवत में क्या करना पड़ेगा? कितने कर देंगे उसमें हम? अब इसके बाद हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठ जाएगा। आगे समझना, हर्ष संवत चलाया, हर्षवर्धन को राज्य वर्धन की हत्या का समाचार समाचार कुंतल नामक राजदूत ने दिया। हर्षवर्धन के राज दरबार में गुप्त शासक माधव गुप्त रहते थे। कौन रहते थे? माधव गुप्त। अब ये क्या है, जो माधव गुप्त है इतना शक्तिशाली नहीं था, कमजोर शासक था, ये किसके राजदरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के राजदरबार में ये रहते थे। क्लियर यहां तक? आगे समझना थोड़ा सा। अब इसके बाद अपनी स्थिति को हर्षवर्धन भी क्या करना चाहेगा? मजबूत करना चाहेगा, ठीक है ना। और अगली बात ये है, हम बात करते हैं जब हर्षवर्धन की, जब हम बात करते हैं, अब इसको थोड़ा अपना संघर्ष इसको भी करना है, तो अपनी स्थिति को यह मजबूत करना चाहेगा। उसके बाद एक है, हम बात करते हैं कामरूप। कामरूप काफी बार राज्य ही आ जाता है कामरूप। कामरूप बोलते हैं असम, असम। गोड बोलते हैं किसको? ये काफी बार ऐसे हैं जो पुराने जो नाम है, काफी बार ये सुमेलित करने में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब होता ये है,
हर्षवर्धन को यह सूचना मिलती है कि राज्यश्री जेल से भाग गई। अब हर्षवर्धन को ये सूचना मिलती है, भाई जो राज्यश्री जो जेल में डाल रखी है, राज्यश्री क्या है, इसकी बहन कहां की जेल में डाल रखी थी, अब ये कन्नौज की जेल से क्या हो चुकी है, भाग चुकी है राज्यश्री, ठीक है ना। अब ये राज्यश्री जब भाग चुकी है, अब इसके लिए हर्षवर्धन के लिए ये भी जरूरी है कि यार अब क्या किया जाए। इसके बाद हर्षवर्धन अपनी बहन राज्यश्री को खोजने के लिए लिए बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र के साथ चल, किसके साथ खोजेगा अपनी बहन को, दिवाकर मित्र के साथ चलती है। सूचना मिलती है कि भाई जो राज्यश्री है वो जेल से भाग चुकी है, और भागने के बाद अब वो जंगल की विंध्य चल की जंगल की तरफ चल रही है, ठीक है। तो ये बौद्ध भिक्षु के साथ हो लेते हैं सब, ठीक है सब। इसके बाद जब ये रास्ते में चलते हैं कामरूप असम का पड़ोसी क्या होता है, बंगाल। पड़ोसी क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। इसका दुश्मन कौन होगा, शशांक होगा बंगाल का शासक। किसका, कामरूप का शासक है भास्कर वर्मन, कामरूप के शासक भास्कर वर्मन। शासक कौन है, भास्कर वर्मन। और इसके जस्ट पास में कौन पड़ता है, गोड़ पड़ता है। क्या पड़ता है, गोड़। बंगाल के शासक कौन थे, शशांक थे। शशांक इसका क्या होगा, बिल्कुल दुश्मन होगा, बिल्कुल पास में। और इसको फिर भास्कर वर्मन को भी पता है कि जो शशांक है वो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद होगा ये, अब जो ये भास्कर जो वर्मन है, ठीक है ना, भास्कर वर्मन, अब इसको भी शशांक से डर था। अब इसको पता है कि हर्षवर्धन का संघर्ष चल रहा है। इसने जब हर्षवर्धन जब रास्ते में चल रहे थे, उस समय भास्कर वर्मन ने अपना राजदूत भेजा, किसके पास भेजा, हर्षवर्धन के पास, जिसका नाम था हंसबेग। राजदूत का नाम था हंसबेग, और वो कहते हैं हर्षवर्धन से कि हम तुम्हारे साथ हैं भाई, आपको टेंशन नहीं लेना। और अब भास्कर वर्मन किसके साथ जुड़ जाएंगे, हर्षवर्धन के साथ। और एक चाहे निठल्ला प्रवृत्ति का ही हो, लेकिन शासक तो है, कौन, माधव गुप्त। ये भी किसके साथ जुड़ा हुआ है, हर्षवर्धन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हर्षवर्धन का भी धीरे धीरे संगठन क्या होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है, ठीक है। कामरूप असम के शासक भास्कर वर्मन ने हर्षवर्धन के पास अपना राजदूत हंसबेग को भेजा, किसको भेजा, हंसबेग को भेजा और कहा
कहा, हम आपके आपके साथ अब ये भी भेज दिया साहब, अब ये भी साथ हो गया। ठीक है, अब ये खोजने के लिए गए, रास्ते में ही राजदूत मिल रहे हैं। ठीक है, जंगल में दिवाकर, दिवाकर मित्र की सहायता से, सहायता से हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री को क्या कर लेगा? आप राज्यश्री को विंध्य की पहाड़ियों से खोज ली। विंध्य की पहाड़ियों से क्या कर लिया? खोज लिया। नेट का सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, आया नहीं लेकिन आ जाएगा, लेकिन नेट का सिलेबस में जहां तक कोई कैसा भी परिवर्तन नहीं, क्योंकि अब मार्च चल रहा है तो अब सिलेबस में कोई परिवर्तन जून में कोई चांस नहीं है कैसा भी। ठीक है ना, और यही है, कहते हैं ना कि जितना जल्दी उठेगा इंसान उतना अच्छा है, चाहे भ्रम से हो चाहे बिस्तर से, पढ़ाई में हो, ये बात सच। ठीक है ना, तो सिलेबस में कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब तो हमारे ये टॉपिक भी, हमारे ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं अभी तो हमारे, फिर हमारा जब गुलाम वंश, जब भी हमारा गुलाम वंश चलेगा तो उसके बाद थोड़ा ठीक आएंगे हमारे। ठीक है ना, अब तो हमारे छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, क्योंकि वो गुप्त काल थे और मौर्य काल थे, वो ज्यादा लंबे टॉपिक थे, ये तो छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, जैसे हर्षवर्धन आज ही वर्धन वंश कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, ये छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके बाद हम थोड़े थोड़े वाका टकों के बारे में भी थोड़ा आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना, वो क्या है, काफी बार इनके अश्वमेध यज्ञ पूछ ले जाते हैं, कभी शासक पूछ ले जाते हैं, पूछे तो यहाँ पर ऊपर से जाते हैं लेकिन पूछ ले जाते हैं उनको। एक बार मैं थोड़ा आपको पढ़ाऊंगा तो फिर आपके, आप फिर एक बार नोट से पढ़ेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, तो आपको, क्योंकि पढ़ाने का एक फायदा ये होता है कि एक बार पढ़ाने के बाद फिर आप उसको एक बार ठीक तरीके से देख लेते हो तो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार है, फिर चौहान हमारा आ जाएगा, उसको भी हम करेंगे, पल्लव पर भी हम काम करेंगे, पल्लव को भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा फिर हमारे अरब आक्रमणकारियों को मान लो आप, महमूद मोहम्मद बिन कासिम को मान लो, फिर महमूद गजनवी और गोरी, उसके बाद हमारा सल्तनत काल हमारा प्रारंभ हो जाएगा। और सल्तनत काल में ज्यादा इतनी चीजें नहीं है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब था ये प्राचीन काल काफी वो था। इसके बाद हमारा ये है कि हम परीक्षा से पहले, और परीक्षा से हमारा कोशिश ये रहेगी कि परीक्षा से पहले 10-1 दिन पहले आपके कंप्लीट करें, कोर्स को कंप्लीट कराएंगे 10-1 दिन पहले तक। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा आपके जो मिक्स वाले जो टेस्ट हैं, आपके कुछ मिक्स वाले टेस्ट लेंगे। ठीक है ना, तो उस तरीके से चलेंगे। तो ये है, एक बार मैं सोच रहा हूँ ये प्राचीन काल का, मैं फिर कंप्लीट लूंगा एक बार जहां तक पढ़, हाँ तो प्राचीन काल का मैं वो कंप्लीट लूंगा। हाँ ठीक है, देखो समझना, सबसे मेन चीज क्या है ना, पढ़ाई तो जरूरी है ही, पढ़ाई तो जरूरी है ही, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अब ये भी है कि किस तरीके से हमें पढ़ना, ये बहुत जरूरी चीज होता है। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर हम इसी में चाहें, हर्षवर्धन में चाहें, तो 2-4-5 पेज भर दें आपका, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, परीक्षा से संबंधित नहीं है चीजें, तो क्या ही मतलब है उसमें। भाई राज्यश्री को खोजा, वो रास्ते में जा रहा था, वहां पर उसको हंस वेग मिलता है, बोलता है कि भाई हम भी तेरे साथ हैं, तो हम तेरा साथ देंगे, ये देंगे, फलाना देंगे, ढिकाना देंगे, एक लाइन में जो कंप्लीट हो जाती है चीज, क्या ही मतलब ज्यादा लाइन भरने से। ठीक है, ये होता है, और कॉम्पिटिशन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये है कि एक प्राचीन काल का भी आपका कंप्लीट ले लेंगे। और एक बात ये है, जो पढ़ा है ना उसको तो आप बहुत ज्यादा उस पर ध्यान दिया करें, और एक बार क्लास आप घर पर जाकर देख लें, क्योंकि ये जो जून का है आप कोशिश करें कि जून में आप एक अच्छा कर पाए, GRF आप लोगों का निकल पाए, मेरी कोशिश ये रहेगी कि GRF निकल पाए। थोड़ा फर्स्ट पेपर पर थोड़ा ध्यान दे लें। ठीक है, फर्स्ट पेपर पर थोड़ा ध्यान दे लेना, और हिस्ट्री में जहाँ तक हमारी पूरी कोशिश रहेगी, पूरी तरीके से ये होगा, जहाँ तक पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग 60-65 तक
क्योंकि इस बार का थोड़ा पेपर सिंपल था, लेकिन पेपर का जो एवरेज आता है वो 60-65 तक आता है एवरेज, ठीक है, इसमें, क्योंकि इस बार थोड़ा सिंपल था, इस बार स्टूडेंट 70 तक पहुंच जाते हैं, 75 तक पहुंचे हैं बहुत से स्टूडेंट, 80 तक भी पहुंचे हैं बहुत से स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट भी थे इस बार। और थोड़ा फर्स्ट पेपर पर ध्यान दे लेना, किताब आप लोगों ने खरीद ली फर्स्ट पेपर की जो आपको बताई थी, खरीद ली, ठीक है ना, और यहाँ पर भी फर्स्ट पेपर में जो चीज आप पढ़ाई जाओ उस चीज को आप वहां पर भी पढ़ा कर, हमने किताब से पढ़ो आप उस चीज को, ठीक है, क्लियर करो किताबों से, ठीक है, ये होता है। और कभी कभी किसी चीज पर कोई डाउट हो तो एक बार किताब को खोल के देख लिया करो, तो डाउट आपका वहां पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जैसे कोई चाहे किसी भी पेपर में है, फर्स्ट में या चाहे सब्जेक्ट में, ठीक है, क्योंकि अब आपको उस हिसाब से किसी टॉपिक ऊपर ज्यादा लंबा आप उस चीज को माइंड में लें बहस करें कोई मतलब नहीं, आपको पढ़ना है, ठीक, उस तरीके से चलो, सही है ना, ये है, क्योंकि अगर कोई लगता है यार ये मामला उसमें ये है उसमें ये है, ठीक है ना, चाहे कोई फर्स्ट पेपर ही आपका हो तो उसमें ये है कि बस अपने उस चीज पे थोड़ा किताब से थोड़ा उसको देख लो, थोड़ा उस तरीके से मजबूत करो, और जितना अच्छा करेंगे आप ना, और अभी खींचो आप, अभी खींचो, यही टाइम है आपके पास ज्यादा खींचने के लिए, इतना खींचो अब आप, बहुत ज्यादा खींचो, फिर चाहे मई में थोड़ा सा चाहे कम हो जाना, लेकिन इस टाइम खींचो आप पूरा, ये होगा इस टाइम आप पूरा, क्योंकि फिर जहां तक राजस्थान में भी 2025 में जहां तक पोले लेक्चर की वैकेंसी आ सकती है, और कोशिश करो कि उसमें आप सेट हो जाए, और ये भी कोशिश करो साइड में साथ में एक कोशिश और करो, अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी की निकलती है तो एंट्रेंस एग्जाम जरूर दो, पता है क्यों, आपका एडमिशन वहां पर हो जाएगा ना, थोड़ा कम से कम थोड़ा ये है, पीएचडी वहां से चलती रहेगी, स्कॉलरशिप आपकी चलती रहेगी वहां से, ठीक है, और राजस्थान में तो बिना जेआरएफ वालों को भी 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप कर रखी है। हायर एजुकेशन को समझो, हायर एजुकेशन बहुत अलग चीज है, हायर एजुकेशन में आदमी कभी भूखा नहीं मरता, अच्छा अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा हर चीज अच्छा होता है आपका, हायर एजुकेशन बहुत अलग चीज होती है, हायर एजुकेशन को आप समझो, हायर एजुकेशन है क्या चीज, बहुत अलग चीज, इस चीज को समझो आप, क्योंकि आप स्टूडेंट कोई छोटे लेवल के नहीं, आप बहुत बड़े लेवल के स्टूडेंट, हमेशा याद रखो ये बात, बहुत बड़े लेवल के, आप एक प्रोफेसर वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, लेकिन आपको कभी कभी पता ही नहीं चलता आप कौन है, आप अपने आप को भूले पड़े, आपको पता ही नहीं चलता आप कौन है यार, बहुत बड़ा लेवल है आपका, आपसे बड़ा सब्जेक्ट में किसी का लेवल नहीं होता है, किसी का लेवल नहीं होता आपसे बड़ा सब्जेक्ट, ये आप अपने आप को पहचानो, ठीक है ना, आप जब तक इंसान अपने आप को नहीं पहचानेगा तब तक काम ही नहीं चलेगा भाई, पहचानो अपने आप, ठीक है, अपने आप को पहचानो। हम बात करते हैं दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन ने अपनी बहन किसको खोज लिया, राज्यश्री को, ठीक है, काफी बार तो यही आ जाती है भाई राज्यश्री किसकी बहन थी, सुमेलित में आ जाता है, कभी कभी पुत्री आ जाता है, कैसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है, और ये दिवाकर मित्र बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, और जहां तक इस दिवाकर मित्र की, उससे ही ये बौद्ध धर्म स्वीकार करेगा, कौन, हर्ष वर्धन करेगा, ठीक है, इसके बाद हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री को उस अवस्था में खोजा जिस अवस्था में वह लकड़ी एकत्रित करके उसमें आग लगाकर जलने वाली थी, क्या करने वाली थी, जलने वाली क्या चीज है, कैसे बाहुबली में है पता है, हाँ ये जो इतिहास है बहुत काफी स्टोरी इतिहास की काफी उठाई जाती है आजकल तो ऐतिहासिकों पर बहुत ज्यादा मूवियां भी बन रही हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो बन रहे हैं, रील बन रही हैं, बहुत ज्यादा बन रही है, सही बात है,
बाहुबली में आपको रथमुशल महाशिला कंटक तो आपको वही आ गया उसमें, ठीक है ना। लोगों को बड़ा अजीब लगा था साहब, और ऐतिहासिक चीजों में लोग बड़ी रुचि भी ले रहे हैं आजकल। ऐतिहासिक चीजों में लोग रुचि भी ले रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद राज्य श्री को हर्षवर्धन ने आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ कहां से शासन करूंगा, आपके साथ कन्नौज से शासन करूंगा। अब भाई राजधानी क्या बन जाएगी हर्षवर्धन के समय, ठीक है ना। क्यों बनेगी, क्योंकि बहन ने बोला भाई मैं तो जब नहीं जलूंगी। बहन बोलती है ना भाई कभी ऐसा होता है साहब, मैं तो तब नहीं जलूंगी तब आप कन्नौज से शासन करेंगे, अन्यथा मैं तो भाई। और फिर आप लकड़ियां आ गई थी भाई साहब, खुद ने भी बोली थी साहब, उसने बोला ठीक है बहन रुको, आप किसी भी तरीके से अपन कहां से शासन कर लेंगे, कन्नौज से शासन कर लेंगे। लेकिन यहां पर यह भी पता चलता है कि बहन से कितना प्यार है, ये भी पता चल रहा है बहन से कितना प्यार है। अपनी राजधानी को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर कहां से शासन कर रहा है, कन्नौज से शासन कर रहा है। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हर्षवर्धन के समय वर्धन वंश की राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। और अगर ऐसा ही पूछा जाए कि वर्धन वंश की राजधानी क्या थी, थानेश्वर। ये प्रश्न वो प्रश्न है ना बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं, कहां से क्या चीजें पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री के साथ शासन कन्नौज से किया। वर्धन वंश की राजधानी हर्षवर्धन के समय क्या बन गई भाई, कन्नौज बन गई। क्या बन गई, कन्नौज बन गई। क्लियर। इसके बाद हर्षवर्धन ने गौड़ शासक शशांक को पराजित किया। हर्षवर्धन ने शासक की महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जब हर्षवर्धन जब बात चल रही थी भाई तुम शासक बनोगे, तो हर्षवर्धन ने क्या कहा था कि मैं केवल इनको जो हमारे दुश्मन हैं शशांक हैं, केवल मैं इनको समाप्त करना चाहता हूं, उसके बाद मेरा कोई इरादा कैसा भी नहीं है, और मैं महाराज की या महाराजा धीराज की या शासक की मैं कोई उपाधि धारण नहीं करूंगा। लेकिन ब्लास्ट में बंदे ने क्या कर ली, उपाधि धारण कर ली। ठीक है, अगली हम बात करते हैं हैंशा। नाम तो सुना होगा हैंशा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हैंशांग 629 ईस्वी
कब आते हैं, 629 ईस्वी में आते हैं, 15-16 वर्ष रहते हैं, 45 तक रहते हैं, ठीक है ना, 645 तक रहते हैं। हम बात करते हैं चीनी विदेश यात्री हैनशांग हर्षवर्धन के समय भारत आए रेशम मार्ग से। कौन से मार्ग से आते हैं? रेशम मार्ग से आते हैं। काबुल है, कंधार है, इधर बंगाल की तरफ से ये रेशम मार्ग, कपी शाह होता है वो रेशम मार्ग। और ये कौन सा रेशम मार्ग है? रेशम मार्ग क्या है? आप तो मैंने समझाया था रेशम मार्ग किसके समय बनता है रेशम मार्ग। हाँ बिल्कुल राइट, बनता किसके समय है रेशम मार्ग? भाई रेशम मार्ग जो है ये कौन से वंश के समय बना था रेशम मार्ग? और रेशम मार्ग कहां से कहां तक था? भारत से चीन तक। इस मार्ग से क्या आता था? रेशम आता था। इसे मध्य एशियाई मार्ग किसके समय बना था? आता था ठीक है ना, रेशम मार्ग मध्य एशियाई मार्ग, आपको मैंने समझाया था। हम बिल्कुल यही साधन आपको बताया नहीं था, कनिष्क के समय रेशम मार्ग काफी बार आता है, कनिष्क के समय। किसके समय था? कनिष्क के समय। तो इसी रेशम मार्ग से ही आते हैं, ठीक है ना, काबुल है, कंधार है, इधर की तरफ से होता हुआ ये बंगाल तक आता है, ठीक है, इस मार्ग से ही आता है, ठीक है ना। और हम ये कह सकते हैं ये जो आता है कैसा मार्ग से आता है? स्थल मार्ग से। क्लियर? हाँ उसी रास्ते से आता बंगाल पकड़ते। हाँ जाता तो उसको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। एक कहानी आपने सुनी है कि वो गंदा रास्ता हो। फिर दूसरी बात, एक आपने ये सुना था क्या, एक नाविक से बोल रहे थे, एक यात्री बोल रहे थे, बड़े विद्वान थे, कि तुम्हारे पास ये भी आता है या वो ये भी आता है, कि तुम्हारे पास जानकारी ले रहा था। वो बेचारा बोल रहा था कि भाई मेरे पास तो ये नहीं आता, फिर बोलता तुम्हारे पास ये भी आता है ये भी आता है, तो बोलता नहीं आता। अब नाविक के पास सिर्फ नाव चलाना आ रहा था, और वो बड़ा विद्वान जो था बड़ा पूछ रहा था तुम्हारे पास ये भी आता है कि वो भी आता है, वो जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर नाव डूबने लगी, नाविक ने बोला कि तुम्हारे पास तैरना आता है क्या, तुम्हारे पास तैरना आता है क्या? तो बोला नहीं आता। तो भाई कुछ वह काम का नहीं तुम्हारा इतना ज्ञान जब तुम्हारे पास तैरना ही नहीं आता। अब यहाँ पर तैरने की बातें चल रही है, ठीक है, समझना। विदेश चीनी विदेश यात्री हैनशांग हर्षवर्धन के समय कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। कौन से मार्ग से आते हैं? रेशम मार्ग से आते हैं। क्लियर हो गया? देखो चीजों को आप कनेक्ट कीजिए। और अगली बात है, आप राजस्थान के हैं तो समझना थोड़ा, आपको यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ। गुर्जर जो प्रतिहार हैं, इनकी जो राजधानी है भीमबाल, ठीक है ना, इनके लिए पोलो मोली जो ये राजधानी है, इनका भी इसने उल्लेख किया है। दूसरी बात ये है जो बेराट की इसने भेड़ों को और बेलों को प्रसिद्ध इसने बताया। किसने? हैनशांग। तो ये है भीनमाल को पोलो मोली इस राजधानी को बताया है इसने, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, तो ऐसे जो प्रश्न है वो काफी आपसे पूछे जाते हैं किस विदेश यात्रा ने, ठीक है। हम बात करते हैं हैनशांग ने
हैनसांग ने हर्षवर्धन को क्या कहा था? शिला दित्य, ठीक है ना, हर्षवर्धन को शिला दित्य कहा। फी से जाति से बताया, कौन सी जाति से बताया? फी से जाति, ये कौन सी थी? वैश्य थी, व्यापारी थी, और हर्षवर्धन को अधिकांश इतिहासकार वैश्य ही मानते हैं, व्यापारी ही मानते हैं, ठीक है ना, वर्धन वंश को, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं शी यू की ग्रंथ के माध्यम से जानकारी हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में मिलती है, राज्य के बारे में, प्रशासन के बारे में मिलती है। अगला है सीयू की ग्रंथ से रहट से पानी के रहट का उल्लेख मिलता है। आपने कोई पुरानी मूवी देखी है? पुरानी मूवी देखी आपने? एक रहट होता है जिसमें बाल्टी टाइप की लगी रहती है, इस तरीके से घूमता है पानी से बाल्टी भर के इस तरीके से आती है, और फिर यहाँ पर एक धोरा टाइप का होता है इसमें खाली होती है, फिर इस तरीके से घूमता है, फिर भरकर आती है लंबा सा लकड़ी का, हाँ बेल भी खींचते, देखा है बहुत, अब रियल में देखा है आपने बहुत सी जगह, बड़ा आसान होता है वो कुएं से पानी, हाँ तो ऐसे खींचते थे पानी, वो जो रहट है ना पानी का रहट, ठीक है ना, उसकी जानकारी कौन देता है? लेकिन इससे पहले भी हमें रहट की जानकारी प्राप्त होती है, इससे पहले वो किस में प्राप्त होती है समझते हैं। हम बात करते हैं पानी के रहट की जानकारी सर्वप्रथम विष्णु शर्मा के पंचतंत्र से प्राप्त होती है। जैसे हम बात करेंगे तारीख के फरोज शाही में एक जल घड़ी का भी उल्लेख मिलता है, ऐसे जो चीजें हैं ऐसी काफी चीजें पूछ ली जाती है। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख सबसे पहले कौन करेंगे? हाइयान नहीं करेंगे क्या? हाइयान करेंगे या हैनसांग करेंगे? हाइयान करेंगे या हैनसांग करेंगे? फाइयान करेंगे? फाइयान करेंगे तो क्यों करेंगे? फाइयान कब आते हैं? फाइयान क्या बातें भाई? फाइयान तो 399 में आते हैं, वो क्यों करेंगे भाई? किसने शिक्षा प्राप्त की थी? अरे
अरे भाइयों, आप लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। रटने का नहीं है, समझने का है। आप समझ क्यों नहीं रहे कि चीजों को? फाहियान क्यों करेगा? क्योंकि फाहियान उस टाइम आ चुका है, उस टाइम नालंदा विश्वविद्यालय बनी नहीं है। 399 से आ चुके हैं फाहियान, 414 तक आते हैं 15 वर्ष। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त प्रथम, 415 से 455 ईस्वी। तो उसके टाइम तो बनी ही नहीं है, तो वो क्यों करेगा? वो क्यों करेगा भाई, उसके टाइम तो बनी ही नहीं है। हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख कौन करेगा? सर्वप्रथम हैंसन करेगा। नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख सर्वप्रथम चीनी विदेश यात्री यात्री हैनशांग ने किया। हैनशांग ने यहां पर 18 माह क्या की थी? शिक्षा 18 माह शिक्षा प्राप्त की। कितने माह शिक्षा प्राप्त की? 18 माह शिक्षा प्राप्त की। यहां के कुलपति किसको बनाया था? कुलपति का कौन सा उल्लेख किया है? कौन कुलपति था? शील भद्र। हैनशांग ने यहां का कुलपति शील भद्र का हैनशांग ने यहां का कुलपति, कहां का कुलपति? शील भद्र को बताया। किसको बताया है? शील भद्र। अगली बात यह है, जब यहां पर जब शील भद्र की जब मृत्यु होगी, उस टाइम कहां थे हैनशांग? और जब शील भद्र की मृत्यु होती है तो क्या बोलते हैं भाई? बिल्कुल, दिया ज्ञान का दीपक बुझ चुका है, ठीक है ना? पूरब की ओर से आने वाली रोशनी अर्थात ज्ञान का दीपक अब बुझ चुका है। ये बात करते हैं सारी, ठीक है। और ये जो हैनशांग है, जब ये कन्नौज में बौद्ध सभा का भी आयोजन करेंगे तो उस समय भी हैनशांग उसमें उपस्थित होगा, ठीक है ना? अगली हम बात करते हैं तो ये हैनशांग इसी के समय आते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं यहां पर, ठीक है ना? और हैनशांग जो है, हैनशांगों से मुख्यतः जो देश को जो एक एक ईमानदार एक ब्राह्मण देश के रूप में, ये भी उसका उल्लेख उसी रूप में करते हैं, ठीक है? ज्यादा चीजों से इतना परिचित नहीं थे, वो एक अलग बात थी, ठीक है ना? और इसके लूट लिया गया था इसको, जैसे बंगाल की तरफ इसे लूटा जाता है, टाकू ने पकड़ लिया था इसको, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं, लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण ये है, इसने हर्षवर्धन के लिए किसका प्रयोग किया है? शिला दित्य का, ठीक है? जो फाहियान जो था, ये फाहियान जो आता है ये दूसरे रास्ते से आता है। फाहियान जो था ये थोड़े दूसरे रास्ते से आता है। फाहियान ये आता जो थोड़ा थोड़ा सा दूसरे से आता है, लेकिन ये सेम रास्ते से नहीं आते, लेकिन आते वहीं से, लेकिन थोड़ा सा दूसरे रास्ते से आता है फाहियान, ठीक है ना? और ये जो था ये रेशम मार्ग से पूरी तरीके से आ जाता है, और रेशम मार्ग उस टाइम चल रहा था, मध्य एशिया वाला था, ठीक है ना? आते तो वहीं से हैं, इधर की तरफ से, काबुल कंधार की तरफ से, बस थोड़ा बहुत इसका डाइवर्ट होता है, लेकिन आते उसी रास्ते से, ठीक है? लेकिन ये पूरी तरीके से ही रेशम मार्ग से आते हैं, ठीक है? फाहियान जिन्होंने फोक्यू की नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं, आते वहीं से काबुल कंधार की तरफ से ही आएंगे, ठीक है ना? आएंगे वहीं से, क्योंकि वो कौन? फाहियान। हाँ फाहियान बताते हैं, वो भी बताते हैं, ये भी बताते हैं, ये उल्लेख करते हैं। हाँ ये भी करते हैं, ये भी करते हैं बात, लेकिन
देखो इसमें देखो क्या होता है, देखो सबसे पहले तो आप ये बात समझना, देखो ठीक है, एक बात समझना, आप थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को थोड़ा सा चीजों पे, काफी चीजों पे होता है। जैसे एक उपाधि भी थी वो तत्परिग्रहता उपाधि भी थी, ठीक है, उपाधियां होती है, उल्लेख होता है, जैसे कोई पहला ने किसी ने उल्लेख किया, दूसरा भी कभी कभी ऐसा उल्लेख कर देता है। हाँ, ये कंफ्यूज होता है, लेकिन दूसरा भी ऐसा उल्लेख कर देता है, ठीक है। अब जैसे फाहियान भी चीनी यात्री था, ये भी चीनी चीनी यात्री है इंसान, हाँ, तो कोई बात नहीं, वो हो जाएगा आपको, और फर्स्ट बार टाइम है तो और भी अच्छा है आपका। अच्छा इसलिए क्योंकि क्योंकि आपका माइंड एक बिल्कुल कोरा माइंड है, ठीक है ना। अब जिसका दूसरी तीसरी बार होता है तो उसमें थोड़ा और ज्यादा दिक्कतें होती है, आपको तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। नहीं कोई बात नहीं, आपको तो और भी अच्छा है क्योंकि आपको बिल्कुल ही कोरा है। अब जिसका थोड़ा माइंड ये है कि पहले भी पढ़ रखा है, यहाँ पर पढ़ रखा है, तो उसमें थोड़ी और ज्यादा दिक्कत आती है। कम से कम आपको तो ये नहीं कि जो सर ने सर ही पहली बार पढ़ा रहे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है साहब आपके लिए तो सारी चीजें, ठीक है ना। अब दूसरा का ये होता है कि साहब ऐसा भी था वैसा भी पढ़ा था, ये बात, ठीक है ना। इसीलिए किसी एक कोई शिक्षक के पास जाता है कोई संगीत की शिक्षा लेने के लिए, तो बोलता है सर मेरे बेटे ने, सर आप संगीत कितने टाइम में सिखा देते हो, उसने बताया यार मैं संगीत 1 साल में सिखा देता हूँ। लेकिन सर मेरे बेटे ने तो 2-1 साल की संगीत की शिक्षा ले रखी है, तो मेरे बेटे को कितना टाइम में सिखाऊंगा, तो बोला यार तेरे बेटे को कम से कम मैं 1.5 साल में सिखाऊंगा। बोला 1.5 साल में क्यों, और वो तो आप 1 साल, तो बोला पहले उसको भुलाना है मुझे जो उसने सीख रखा है, फिर मुझे अपनी शिक्षा देनी। तो उसी रास्ते से दोनों वही के थे उसी तरीके से। और दूसरी बात थी मुख्य मार्ग, जहां तक यही मार्ग था, और फिर ये जाते थोड़ा समुद्र के मार्ग से चले जाते हैं, ये रेशम मार्ग से आता है पूरी तरीके से, ठीक है, और ये बंगाल की तरफ से इधर की तरफ से आता है, ठीक है, प्रवेश करता है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा का युद्ध। नर्मदा का युद्ध, और से मुख्यतः इसकी तिथि कंफर्म नहीं आती है, लेकिन 634 ईस्वी माना जाता है नर्मदा का युद्ध। एक थे पुलकेशिन द्वितीय, किस किस के मध्य होता है ये, पुलकेशिन पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य, और हर्षवर्धन के मध्य। अब समझना ये जो पुलकेशिन जो द्वितीय है ना, इसके राज दरबार से संबंधित थे, इसके राज दरबार से संबंधित थे रवि कीर्ति, रवि कीर्ति, रवि कीर्ति। इसने कौन सा अभिलेख लिखा है, ऐहोल अभिलेख लिखा है। इसने कौन सा अभिलेख लिखा है, ऐहोल अभिलेख लिखा है, समझना, रवि कीर्ति। इसका जो अभिलेख है, अभिलेख इसका जो अभिलेख है, इसका अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। कौन सा है ए होल अभिलेख, कल को आपको ये भी पूछ ले जाए भाई रवि कीर्ति किसके राजदरबार संबंधित था, किसके से, नहीं पुलकेशिन द्वितीय के से, चालुक्य के साथ सकता, ठीक है ना। ए रवि कीर्ति का तो आप नाम सुना होगा, आप लोगों ने भी, आप लोग थोड़ा सा मेरे लिए बताना, थोड़ा आप थोड़ा सा मेरे लिए ये बताना, जो थोड़ा सा ये है, आप लोगों ने किताब ये जो इनके बारे में पहले से एमए में या ग्रेजुएशन में किसने पढ़ रखा है, यार आप पढ़ रखा है किसी के इनके बारे में, नहीं पढ़ा आपने भी पहले, नहीं पढ़ रखा आपने तो, पढ़ ही नहीं रखा है ना, बड़ा ही आप तो बड़े स्पष्ट आदमी, सही है, बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। आपने पढ़ रखा था पहले, पहले पढ़ रखा था है ना, आप नहीं पढ़ा, नहीं रवि कीर्ति के बारे में पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा, इन शासकों के बारे में थोड़ा तो अच्छा गहराई से नहीं पढ़ा बस, है ना, गहराई से नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो जहां तक हर्षवर्धन के बारे में, इसके अभिलेखों के ताम्र पात्रों के बारे में नहीं पढ़ा होगा जहां तक, है ना, और राज्यश्री के बारे में नहीं पढ़ा होगा, कहानी नहीं पढ़ी होगी, शायद कहानी पहली बार ही सुनी होगी आपने, ठीक है ना। इस तरीके से जंगल में चला जाती है फिर ढूंढती, देखो इससे क्या होता है, देखो मे भी क्या है, इससे क्या होता है, आप एक उस लेवल के स्टूडेंट है, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ आप प्रोफेसर है,
और अपने आप को अभी से मानना चालू कर दे तो अच्छा है, उसके अनुसार फिर ढल जाए। ऐसा नहीं कि मानना चालू कर दे फिर पढ़ाई ना करें, ढल भी जाए, पढ़ाई भी करो, पढ़ाई भी करो, ठीक है ना, ठीक है ना। अगली बात ये है, आपके पास कोई चीज ऐसा नहीं आना चाहिए कि यार ये है, पूरी कहानी आनी चाहिए। आपके पास ये नहीं आना चाहिए कि भाई हर्षवर्धन ने तो राजधानी किसको बनाया था, कन्नौज को बनाया था। दोबारा रटने वाले क्या करेंगे, भाई हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। भूल जाओगे भाई, क्यों बनाया है, पूरी कहानी याद कर लो यार, आपका लेवल ही वो है भाई। राज्य श्री थी जंगल में इस तरीके से, पूरा पूरी कहानी याद हो जाएगी पूरा। तो लेकिन हमारा अब लेवल बहुत आगे चल चुका है, क्योंकि अब आप एक प्रोफेसर वाले स्टूडेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले स्टूडेंट, ठीक है ना, ये होता है। क्योंकि अब आपका बहुत लेवल, बहुत अपर लेवल जा चुका है, बहुत ज्यादा लेवल जा चुका है आपका, ठीक है ना, बहुत लेवल। इससे बड़ा लेवल नहीं होता, नेट से बड़ा लेवल नहीं होता सब्जेक्ट, ये बात सच है, नेट से बड़ा लेवल होता। क्योंकि ये क्योंकि पीजी के बाद आती है नेट, और असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट में सबसे बड़ा होता है टीचरों में असिस्टेंट प्रोफेसर, जो सब्जेक्ट का होता है, उससे बड़ा कोई टीचर नहीं होता। होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बड़ा टीचर, लास्ट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर उसी में आता है, उसी लाइन है, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट होता है सब्जेक्ट का, लास्ट सब्जेक्ट का आपको कितना ज्ञान है कितना नहीं है, उस ज्ञान का सर्टिफिकेट होता है नेट जीआरएफ। नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो होता है इसी से बनता है, 8-1 वर्ष बाद एक्सपीरियंस बाद बनता है, एसोसिएट प्रोफेसर बनता है। फिर उसके बाद फिर थोड़ा रिसर्च पे, थोड़ा किस तरीके से काम किया है, कितने स्टूडेंटों को पीएचडी कराया है, क्या है क्या नहीं है, तो उस हिसाब से फिर बनता है प्रोफेसर, ठीक है। शुरुआत लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर से होती है, लास्ट है, हाँ एचओडी बन जाता है एक, फिर लास्ट में फिर सीनियरिटी के आधार पर आपको एचओडी बना देते हैं, ठीक है, ये होता है। फिर आपका पूरा डिपार्टमेंट आपके अंडर में आ जाता है। लेकिन अच्छा है, मजा अच्छा है कि बाहर जाना, सेमिनारों में जाना, अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें। आप जिस पैसे में जा रहे हैं उस पैसे की आप पहले खूबी भी देखें, यार अपन ऐसे बन जाएंगे तो अपन के लिए ये मिल जाएगा, तो आपको और ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा। ये है, देखो पढ़ाई के साथ साथ ये जरूरी है, एक मोटिवेशन चीजें ये भी बहुत मायने रखती है चीजें आपके, ये चीज, क्योंकि हायर एजुकेशन बहुत अलग चीज होती है। अब हम बात करते हैं, रवि कीर्ति ने कौन सा अभिलेख लिखा है, एहोल अभिलेख लिखा है, ठीक है ना, एहोल अभिलेख। इस एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन के लिए, एहोल अभिलेख में, अभिलेख में हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन को शक लो उत्तर पथ नाथ कहा गया है, शक लो उत्तर पथ नाथ। शक लो उत्तर पथ नाथ कहा गया, अब एक बात बताएं, शक लो उत्तर पथ नाथ किस शासक को कहा जाता है, हर्षवर्धन किस में कहा गया है। अब हम बात करते हैं, इससे हमें जानकारी मिलती है, समझना, अब एहोल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, एहोल अभिलेख के अनुसार, अभिलेख के अनुसार, अनुसार एहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन, पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, थोड़ा मैं चालुक्य को भी लिख देता हूं, कल को आपको पता चले कि कौन से वंश का शासक था। एहोल अभिलेख के अनुसार चालुक्य, चालुक्य शासक, शासक पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के युद्ध में
हर्षवर्धन को पराजित किया। युद्ध का नाम क्या है? नर्मदा। किस किस के मध्य हुआ है? हर्षवर्धन और पुलकेशिन। तो यहां पर इसे पराजित किया। अब हम बात करते हैं इसके लिए जो प्रयोग किया गया है, शकलो उत्र पथ का, इसके लिए पथनाथ का इसके लिए प्रयोग किया। थोड़ा नाम लंबा है लेकिन नाम इतना भी वो नहीं है जो याद नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आता है बौद्ध धर्म, इसने स्वीकार कर लिया है। थोड़ा हम धर्म पर भी चर्चाएं करेंगे। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद इसने कन्नौज और नालंदा विश्वविद्यालय के लिए कितने गांव दान दिए थे? 100 गांव दिए थे, उनको हम पहले ही पता चुके, ठीक है। इसके बाद होगा, इसके बाद ये करेगा कन्नौज धर्म सभा का आयोजन करेगा। उसका प्रेसिडेंट किसको बनाएगा? अध्यक्ष कौन, अध्यक्षता कौन करेगा? हैन शान करेगा, ठीक है, कन्नौज धर्म सभा, ठीक है। और ये 21 दिन ये विशाल जुलूस चलेगा। इसीलिए मैंने एक बार आपको बताया होगा, अगर कभी बौद्ध एक अंतिम संगति की, कभी पंचम संगति क्या पूछा जाए तो कौन करेगा आयोजन, बताया गया था ना पहले, ठीक है। ये मैं शुरुआत में आपको इसीलिए बताता हूं कि आपके याद हो जाए। क्या चीज? इसका वर्ष 643 एक माना जाता है। इसके बाद इसको फिर विदा कर दिया जाता है। किसको? इसके बाद विदा कर, इसके बाद इसे विदा कर दिया जाता है। इसे फिर सौंप कर, इसे वो विदाई इसको दे दी जाती है, ठीक है ना। इसके बाद भाई अब तू जा अपने, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें इसके साथ भास्कर वर्मन भी इसका साथ देते हैं। जो भास्कर वर्मन है वो रहते हैं, भास्कर वर्मन कहाँ के थे? असम के, ठीक है ना। इसके बाद है कन्नौज धर्म सभा। कन्नौज धर्म सभा, कन्नौज धर्म सभा कब है? 643। हम बात करते हैं इस धर्म सभा में 20 देशों के शासकों ने भाग लिया। यह सभा 20 दिन चली। 21वें दिन जुलूस निकाला गया, जुलूस निकाला गया। सबसे आगे महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी। असम का शासक, भास्कर वर्मा ब्रह्मा के रूप में थे और महात्मा बुद्ध इंद्र के
रूप में थे। इस समय अब समझना थोड़ा, इस समय थोड़ा पहले समझना, हम बात करते हैं इसे पंचम बौद्ध संगति भी बोल सकते हैं अगर कभी आएगा ऑप्शन में, कभी जाए तो ये माना जाता है, ठीक है। उस टाइम भी मैं उससे तो मूल रूप से तो चार होती है, लेकिन कभी पंचम भी आ जाए कभी अटकाने के लिए, कभी चीन के पूछ लिया जाए हर्षवर्धन को समय, ठीक है। इस समय होता यह है, हम बात करते हैं इसका जो प्रेसिडेंट जो बनाया जाता है वो किसको बनाया जाता है, हर्ष हैन शांग को। और इस समय कहते हैं हर्षवर्धन अगर हैन शांग को किसी ने नुकसान पहुंचाया उसे मार दिया जाए, अगर इसकी जान माल को हैन शांग की को कुछ नुकसान हुआ तो उसे मार दिया जाएगा, सब बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी हैन शांग को मारने की कोशिश की जाती है और इस समय हर्षवर्धन ने जब ये कस का आयोजन हो जाता है, जब पता चलता है कि हैन शांग के साथ इस तरीके से षड्यंत्र रचने की कोशिश की जाती है, तो 500 ब्राह्मणों को देश निकाला दिया गया था इस समय। कितने ब्राह्मणों को? 500। क्योंकि ब्राह्मणों को ये था क्योंकि हिंदू धर्म के लिए कहीं ना कहीं इस बौद्ध धर्म को वो खतरा मान रहे थे और इसीलिए भारत में जो ये बौद्ध धर्म का जो इस तरीके से इतना पतन हुआ है, कहीं ना कहीं भारत की जाति और एक वर्ण व्यवस्था काफी चीजों का भी इसमें पतन में योगदान था, ये बात भी सच, काफी चीजों का योगदान था। इसलिए इसके पतन में काफी था, क्योंकि हम पहले से ही हम ये चीजों को पढ़ते आ रहे हैं, हमारे कुछ शासक कुछ लोग यहां पर कहीं ना कहीं आपस में, जैसे शशांक थे बोध वृक्ष को भी कटवाया था, ठीक है ना। और फिर हाँ यहाँ पर, और फिर दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि जो बौद्ध धर्म था वो हमारे जो उस समय के जो धर्म जो चल रहे थे, जैसे भक्ति आंदोलन चल रहा था, उसके सामने नहीं टिक पाया, ये बात भी थी कि उसके सामने नहीं टिक पाया। और जिस देश में बौद्ध धर्म का उदय हुआ हो, आज उस देश में बौद्ध कितने हैं? नाम मात्र के बौद्ध हैं, नहीं ज्यादा होने चाहिए थे लेकिन नाम मात्र के बौद्ध थे, ठीक है। जैन हिंदुओं से ज्यादा अलग नहीं है, जैन हिंदुओं से ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन बौद्ध थोड़े ज्यादा अलग, जैनों की थोड़ी काफी वर्ण व्यवस्था परंपरा काफी वोसी है, ठीक है, हिंदू वाली, लेकिन बौद्धों की काफी अलग है, ठीक। अब हम बात करते हैं इस समय 500 ब्राह्मणों को देश निकाला दिया, कितनों को दिया जाता है देश निकाला? 500 ब्राह्मण, 500 ब्राह्मणों को देश निकाला इस समय दिया जाता है, ठीक है। कन्नौज धर्म सभा को पंचम बौद्ध संगति, पंचम बौद्ध संगति भी कहा जाता है। कौन सी बौद्ध संगति कहा जाता है? पंचम बौद्ध संगति कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति कब होती है भाई? प्रथम शताब्दी, किसके समय होती है? कनिष्क के समय होती है, ठीक है ना। कभी माना जाए तो इसको पंचम बौद्ध संगति कहा जाता है। इसमें महात्मा बुद्ध की एक अच्छी सोने चांदी वाली अच्छी मूर्ति बनाई जाती है, उसको आगे निकाला जाता है, फिर उसके साथ साथ एक ब्रह्मा के रूप में भास्कर वर्मन भी साथ साथ चलते हैं, और फिर उसमें इंद्र के रूप में चलते हैं कौन? हर्षवर्धन, और फिर यहीं से इसको क्या कर देते हैं? विदा देते हैं। किसके लिए?
हैन शाह, ठीक है, यहीं से विदाई करते हैं, भाई साहब आप जाओ साहब, इसके साथ अपने राजदूत को भेजते हैं, इसको छोड़ कर आते हैं, फिर यहीं से विदाई का होता है साहब, रोना धोना चालू होता है ठीक है, तो ये होती है यहाँ पर कन्नौज। फिर इसके कुछ समय बाद एक प्रयाग में ये सभा करेंगे, एक करेंगे प्रयाग में सभा, लेकिन वो बौद्ध सभा नहीं होगी, उसमें दान करेंगे ये प्रयाग। उस प्रयाग वाली की जब हम बात करते हैं, उसका बताया जाता है हर्षवर्धन ने इतने लोगों को दान दिया, उसमें इतने लोगों को दान दिया, बताया जाता है जो खुद के पास कपड़े थे कपड़े तक को दान, किसने, हर्ष, इतना दानी था हर्षवर्धन, बहुत ज्यादा। इसलिए इसे प्राचीन काल का, अगर इसे अकबर भी हम कहें, अकबर भी कहते हैं, प्राचीन काल का सबसे हिंदू शक्तिशाली शासकों में भी इसकी गिनती की जाती है। तो लास्ट एक प्राचीन काल का अंतिम अंतिम हिंदू शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान को भी कहा जाता है, इसको भी कहा जाता है, बड़े शक्तिशाली थे, ठीक है। लेकिन इसके जो समय था वो काफी वो था। इसके बाद होती है एक प्रयाग सभा, प्रयाग सभा, हर्षवर्धन ने इस समय लोगों को दिल खोलकर दान दिया, दिल खोलकर दान दिया। बताया जाता है हर्षवर्धन ने अपने कपड़ों को भी दान कर दिया। प्राचीन काल का अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक हर्षवर्धन थे, कौन थे, हर्षवर्धन। अगला बात, हर्षवर्धन कवि भी थे जिन्होंने 3 नाटक लिखे, कौन कौन से लिखे भाई, नागानंद, प्रियदर्शना और नागानंद प्रियदर्शना और एक नाटक और है रत्नावली। कितने लाखे, 3 लिखे, तो इसलिए इसको कविराज भी कह सकते हैं ना अपन, इसको कविराज भी कह सकते हैं, 3 नाटक लिखे हैं इसने, बाणभट्ट इसी के राज दरबार में, जिसने हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की, ठीक है। हर्षचरित्र में 8 अध्याय हैं, थोड़ा सा मैं उसको अलग भी लूंगा, थोड़ा सा जब इतिहास दर्शन में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा अलग भी पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो हर्षचरित है उसमें 8 अध्याय हैं और अंतिम अध्याय वहां का उसका वहां पर बंद हो जाता है, अंतिम जो अध्याय है उसका वहां पर बंद हो जाता है जब राज्यश्री मिल जाती है जंगल में, उसके बाद हर्षचरित जो है रुक जाता है वहीं पर। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है, बाणभट्ट किसके राजदरबार में थे, हर्षवर्धन, ठीक है। अगली हम बात करते हैं हर्षवर्धन के नाम क्या क्या नाम है इसके। एक इसका मगध है, मगध राज भी है,
मगध राज किसने कहा है? मातु मातुआ लिन्ने, ये चीनी विदेश यात्री थे। और एक नाम इसका क्या है? शिला द्वितीय, इसी का नाम है, किसने दिया है? हैंसाम। एक इसका नाम क्या है? शकलो शकलो उत्तरापथनाथ, किसमें है भाई? एरन रवि कीर्ति का, रवि कीर्ति का ए होल अभिलेख। इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है क्या किया गया था इसे, ये कौन सा युद्ध पराजित होता है नर्मदा के। ठीक है, अगली हम बात करते हैं, बड़े अच्छे शासक थे, बड़े दानित शासक थे हर्षवर्धन। सूर्य शिव के उपासक थे, उपासक थे। बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। 647 ईस्वी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के बाद ही समाप्त हो, इसकी मृत्यु के बाद ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, क्योंकि यही था इस वंश का एक अंतिम शासक था, और इसकी मृत्यु के बाद ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा? फिर त्रिगुटीय संघर्ष होगा, और त्रिगुटीय संघर्ष में सफलता, त्रिगुटीय संघर्ष किसके लिए होगा? कन्नौज के लिए होगा। अब देखो यहां पर आप क्या करेंगे, अगर आप ये रटेंगे भाई त्रिगुटीय संघर्ष होता है, त्रिगुटीय संघर्ष होता है, तो भूल जाओगे भाई आप। आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? आपको करना ये है, क्योंकि हर्षवर्धन के कोई पुत्र नहीं थे भाई, पुत्र नहीं थे, तो कन्नौज की राजगद्दी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। अब खाली हो जाएगी तो उस खाली राजगद्दी को हर आदमी प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, ये थोड़ा मैं आपको लास्ट में उस अधिकारियों का नाम कम आते हैं, अधिकारी और कार्य, इनको और लिखा जाता हूं मैं, अधिकारी और कार्य। पहला अधिकारी कौन था है? अवंती। ये किसका अधिकारी है भाई? अवंती किसका अधिकारी है? युद्ध, युद्ध का है, युद्ध का। इसके बाद है शिही नाद, जिसे सिंह नाद भी कहते हैं। ये क्या था? सेनापति था। ये क्या था इसका? सेनापति था। ऐसा काफी बार आता है भाई सेनापति कौन था, तो सिंह नाद जो था ये क्या था इसका? सेनापति था। ठीक है ना, इसके बाद हम कुंतल था, आशुसेना का था कुंतल, कुंतल जो था आश्वसेना का था, आश्व सेना। एक है स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त ये किसका है? शिहिसेन। स्कंद गुप्त क्या है? हस्ती सेना। हस्ती सेना इसी का है ना ये स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त जो है ये हस्ती सेना का है। ठीक है, इसके बाद और है एक हस्ती सेना, भंडी है प्रधान सचिव, भंडी, भंडी जो है इसका ममेरा भाई भी था भंडी। ये क्या है भंडी? क्या है? प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री बोल सकते हो, प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री। ये भंडी इसका ममेरा भाई। अवंती युद्ध का मंत्री, ये शिहिनाद सेनापति, कुंतल आश्वसेना, स्कंद गुप्त जो था हस्ती सेना,
और ये स्कंद गुप्त हस्ती सेना से संबंधित वो था, सेनापति था, और भंडी जो था प्रधान सचिव। तो ये जो प्रश्न है ऐसे प्रश्न आपसे पूछ ले जाते हैं। तो इसके बाद हमारा ये हर्षवर्धन जो समाप्त हो जाता है, त्रिगुटीय संघर्ष हमारा फिर प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये था हर्षवर्धन। इसमें सबसे पहले इसके अभिलेख हैं, इसकी मुद्राएं भी हमें प्राप्त होती है, सोनपत से प्राप्त होती है, नालंदा से प्राप्त होती है, कुछ मुद्राएं इसकी मिट्टी की भी है, तांबे की मुद्राएं भी। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त होता है। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ये सेनापति आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है, काफी बार सुमेलित में पूछ लिया जाता है। और ये अंतिम एक हिंदू शक्तिशाली शासक था, और बाण भट्ट किसी के इसी के राज दरबार में था। कंप्लीट, इसके बाद हमारा कल अगला हमारा टॉपिक चलेगा। ठीक है, फोटो खींच लीजिए आप, और शनिवार का आपका टेस्ट होगा, मैं नहीं रहूंगा लेकिन टेस्ट आप लोग दें। मौर्य उत्तर काल का और फिर एक गुप्त काल का मंडे को हो जाएगा। ऐप पर टेस्ट नहीं है, पहले क्यों नहीं है? आज तक मैं बात करता हूँ। ठीक है, और थोड़ा इसको समझना, इसमें थोड़ा सा रुकना थोड़ा। इसने एक उपाधि भी धारण की थी, उपाधि परम शोगा। ठीक है ना, इसको भी थोड़ा परम शोगा। अभी ऐसी उपाधि आजकल बहुत ज्यादा पूछ ली जाती है। और महाराजा धीराज की सबसे पहले किसने धारण की है, और ये क्रम अनुसार शासकों का आप क्रम अनुसार, क्योंकि ये मैंने देखा है नेट में प्रश्न पूछ ले जाते हैं, क्योंकि जो इतना वंश ज्यादा मजबूत नहीं होता तो उसके शासकों को क्रम अनुसार पूछते हैं काफी बार। राज्यश्री कहानी पूरी याद हो गई, ज्यादा चला गया चले ना। और ये रवि कीर्ति के अहोल अभिलेख बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, रवि कीर्ति किसके राजदरबार से थे? पुलकेशिन दित्य के। और शक्लो उत्तर पथनाथ किसमें किया गया उल्लेख? एहोल अभिलेख में। ठीक है ना, अब आपकी फर्स्ट क्लास हो चुकी।